स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू नो लाइक आप लोगों को डॉकर के ऊपर क्या नॉलेज है, ठीक है, एंड राइट नाउ आप किस डोमेन में वर्किंग एंड ऑल, अपनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं एंड द नॉलेज व्हाट यू हैव ऑन डॉकर, बोथ ऑफ यू यू नीड टू शेयर. ओके यस ओके यू डोंट हैव एनी आइडिया. ओके नो इश्यूज. मूव टू विक्रम. गुड मॉर्निंग. ओके 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 एंड वट डू यू हैव नॉलेज अबाउट डॉकर? थोड़ी बहुत में जैसे कि बिल्कुल. ओके हाँ बिल्कुल. सो बेसिकली डॉकर का आपका जितना कुछ आपने बताया ये सब प्रोसेस डॉकर में होता है. फाइल बनती है, इमेज बनती है, देन कंटेनर बनता है. लेकिन ये सब चीजों का जो प्रोसेस होता है इनको हमें पहले समझना पड़ेगा ताकि कंसेप्ट क्लियर होगा और देन हमें अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली फाइल से कैसे एक कंटेनर बन पा रहा है, एक इमेज कैसे बन पा रहा है और उस इमेज से कैसे एक कंटेनर बन पा रहा है. ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधा डॉकर के आपके इंट्रोडक्शन से. आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको. ओके सो स्टार्ट करते हैं डॉकर. व्हाट इज डॉकर? अगर मैं अभी आपसे बोलूं आप लोग गूगल पे सर्च करो और चेक करो डॉकर क्या है, तो आप लोग जब चेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या है ये, एक डॉकर एक आपका बेसिकली कंटेनराइजेशन कंसेप्ट है जो कि आपको एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है जो कि आपको हेल्प करता है कंटेनर्स लॉन्च करने में. ठीक है, एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप कंटेनर्स को लॉन्च करते हो. बट इन रियलिटी अगर हम बात करें डॉकर की, डॉकर आपका कोई कंटेनराइजेशन कंसेप्ट नहीं है. ठीक है, डॉकर जो है वो एक कम्युनिटी का नाम है, कम्युनिटी विच इज योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कम्युनिटी है जिनका नाम डॉकर है. उन डॉकर नाम की कम्युनिटीज ने क्या किया, अपने एक इंजन लॉन्च किया जिसके ठीक है जिसको बोला गया था डॉकर डी इंजन. उस इंजन की जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी है कंटेनराइजेशन, विच मींस विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डॉकर डी इंजन हम लोग कंटेनर्स को क्रिएट करते हैं. बट जो डॉकर है वो एक कंटेनराइजेशन कंसेप्ट नहीं है अपने आप में. डॉकर जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नेम है जो जिन्होंने अपना एक इंजन लॉन्च किया जिसका नेम था डॉकर डी इंजन. ठीक है, इस इंजन को उन लोगों ने लॉन्च किया और इसी इंजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कंटेनर्स को क्रिएट करते हैं. क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर इंजन को बोला जाता है कंटेनराइजेशन कंसेप्ट. कंटेनराइजेशन एज इन आप इसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स लॉन्च करते हो जस्ट लाइक योर वीएम. जैसे आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो सिमिलरली आप कंटेनर्स क्रिएट करते हो. उन कंटेनर्स के ऊपर आप क्या करते हो अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देते हो. तो बेसिकली ये हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कंटेनर्स को लॉन्च करने. अब इतना ही नहीं, अगर हम इस चीज को थोड़ा और इलैबोरेट करें जैसे कि हम बात करें कंटेनराइजेशन कंसेप्ट की, इवन इसको एक और चीज बोली जाती है, इसको बोला जाता है ये कंसेप्ट है किसका, वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट. मतलब कि आप वर्चुअल वे में कंटेनर्स लॉन्च करते हो उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो एंड देन आप अपनी जो भी एप्लीकेशन को जिसको आपको एक्सेस कराना है वो इजीली एक्सेस कर पाता है. तो बेसिकली आप क्या करते हो यहाँ पे आप छोटे छोटे वीएम्स लॉन्च कर लेते हो जस्ट लाइक वीएम्स आपके कंटेनर्स होते हैं. ठीक है सो वर्चुअलाइजेशन कंटेनर का हमें पता तो चल गया बेसिकली उसमें हम लोग कंटेनर्स ही लॉन्च कर रहे हैं बट इन अ वर्चुअल वे. अगर इस चीज को हम थोड़ा और इलेबोरेट करें, फॉर एग्जाम्पल अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो लाइक ऑनलाइन आपने
कुछ रिसोर्सेस क्रिएट कर लिया और उसके ऊपर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आपके पास वो पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर रिसोर्स फिजिकल वे में अवेलेबल नहीं है, बट वो वर्चुअल जरूर है आपके पास, ठीक है। आपकी खुद की लाइक अगर आपको उसके ऊपर कुछ भी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, कस्टमाइज करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा जेड, तो आपके पास वो पर्टिकुलर रिसोर्स फिजिकल की जगह वर्चुअली अवेलेबल है। और वो वर्चुअल कहाँ अवेलेबल है, आपके खुद के एक फिजिकल सर्वर के ऊपर। तो उस वर्चुअल आपके रिसोर्स के ऊपर आप क्या करोगे, अपनी एप्लीकेशन कर देते हो डिप्लॉय, एंड देन आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हो। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं फिजिकल वे में नहीं हो रहा, वो वर्चुअली हो रहा है, विच मीन्स हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग वर्चुअली यूज कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन वे में रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं हमारे सर्वर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, या फिर आप सिंपल सी कोई भी, अगर जैसे आपको पता होगा आपको बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि AWS हो गया, Azure हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ऐसे कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, वर्चुअल मशीन जैसे हम बोल देते हैं। तो सिमिलर लाइक आर सर्वर, जो कि हमारे पास फिजिकल सर्वर्स अवेलेबल होता है, सेम कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर लेते हैं हमारे ही फिजिकल सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो उस वर्चुअल सर्वर पे हम लोग फिर क्या करते हैं, कंटेनर का कंसेप्ट है, विच मीन्स उन वर्चुअल सर्वर के ऊपर आप क्या करोगे, अपने कंटेनर्स लॉन्च करो और कंटेनर्स के अंदर एप्लीकेशन को स्टोर करके रखो, सेव करके, ताकि कभी भी कोई कस्टमर आए कंटेनर पे, जब वो हिट करे, कंटेनर पे कैसे हिट करेगा उसके लिए हम लोग पोर्ट मैपिंग करेंगे, तो वो हम चीज देखेंगे। बट इन सपोज अज्यूम कर लेते हैं, मान लो उसने कंटेनर पे हिट किया और वो इजिली हमारी एप्लीकेशन को कर सकता है एक्सेस। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन कंटेनर कंसेप्ट। वर्चुअली हम लोग कंटेनर्स क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं। सिमिलरली कंटेनराइजेशन कंसेप्ट भी यही होता है आपका, वर्चुअली कंटेनर्स को क्रिएट करके आप उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, ठीक है। कंटेनर को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पहले तो हमारी एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन जो होती है, हम एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं, हमें पता है हमारी जो एक एप्लीकेशन बनती है, उस एप्लीकेशन को बनने के लिए हमें कुछ कपल ऑफ थिंग्स की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या क्या चाहिए होता है एक एप्लीकेशन को बनने के लिए, हमारे पास एक एप्लीकेशन का बैकएंड सर्वर रेडी होना चाहिए, फ्रंट एंड होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेस होने चाहिए। ये सब किस में आ जाता है, ये सब आ जाता है आपके एनवायरमेंट में, ठीक है। तो एप्लीकेशन को एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई रिसोर्स होना चाहिए जिसके ऊपर आप इन सभी चीजों को क्रिएट कर रहे हो। सेकेंड, एक एप्लीकेशन को बनने के लिए और क्या चाहिए होता है, लाइब्रेरीज चाहिए होती है और बाइनरीज। लाइब्रेरीज बाइनरीज से मतलब है कि आप जब कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो वो इंस्टॉल होके बेसिकली कहाँ स्टोर हो रहे हैं, तो वो आपकी लाइब्रेरीज और बाइनरीज में स्टोर हो जाते हैं, या आपकी कोई सर्विसेज आप इंस्टॉल करो तो वो लाइब्रेरीज और बाइनरीज में स्टोर हो जाते हैं। तो लाइब्रेरीज और बाइनरीज का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपके पैकेजेस पड़े रहते हैं फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। आपके एप्लीकेशन में जो जो चीज आपने इंस्टॉल किया है, उसके अंदर जो जो कोई सर्विस एड ऑन किया है, वो सारी कहाँ पे स्टोर हो रही है, आपकी लाइब्रेरीज और बाइनरीज के अंदर। सेकेंड आपका आता है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या होती है एक एप्लीकेशन के लिए, डिपेंडेंसीज का मतलब होता है, अब हमें पता है कि एप्लीकेशन को जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन को जब क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम लोग मल्टीपल सर्विसेज भी इंस्टॉल करेंगे, कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल करेंगे। जब हम लोग उन पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो पैकेज किसी ना किसी और पैकेज के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंसी। विच मीन्स अज्यूम करते हैं, मान लो मैंने बोला कि मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैंने बोला मुझे पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करना है, तो मेरे सामने एरर आया, क्यों, क्योंकि पाइथन के पैकेज को इंस्टॉल करने से पहले मुझे उसका और जो पहले का एक डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। टारगेट कुछ नेम से होता है, ठीक है, आगे का टारगेट होता है, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं, बट या आपकी एक डिपेंडेंसी होती है पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले, आप क्या करो, इस पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करो, देयर आफ्टर आप पाइथन को इजिली इंस्टॉल कर सकते, आप सिंपली पाइथन को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो क्या कहता है कि आप उस पर्टिकुलर पैकेज की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो। अज्यूम करते हैं, मान लो मेरे सामने एक और पैकेज है, ठीक है, अब इस पैकेज को मैंने बोला कि मुझे इंस्टॉल करना है, ले लो पैकेज मेरे पास एक है, ठीक है, मैंने बोला इस पैकेज को मुझे इंस्टॉल करना है,
मुझे याद था पैकेज जो 1 है ना वो इसकी डिपेंडेंसी है, मतलब जब तक कि मैं पैकेज 1 इंस्टॉल नहीं करूंगी, पैकेज नाम का जो मेरा एक पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली डिपेंडेंसीज क्या होती है, जब आपके कुछ ऐसे पैकेजेस, आपकी कुछ ऐसी सर्विसेज किसी और सर्विस के ऊपर डिपेंड रहती है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंसीज। तो हमें हर एक पैकेज की डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करके रखना पड़ता है। तो वो सभी इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसीज की वो डिपेंडेंसीज नाम के फोल्डर के अंदर जाती है। तो इसीलिए एप्लीकेशन के लिए कहा जाता है, एप्लीकेशन को रन होने के लिए या एप्लीकेशन को जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ कपल ऑफ थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज योर लाइब्रेरीज और बाइनरीज। आपका दिन क्या आती है, आपका डिपेंडेंसीज, और आपका आ जाता है एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट में वही जैसे मैंने बताया, आपके पास रिसोर्स होगा कोई, ठीक है, आपके उसके अंदर फ्रंट एंड बना रखा होगा आपने, बैक एंड होगा, डेटाबेस, पेमेंट गेटवे एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि एप्लीकेशन को क्रिएट करने के। एक एप्लीकेशन हमारी रेडी हो गई, ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को, ये फुल एप्लीकेशन मान लो मेरी बन गई, ये मेरा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, एप्लीकेशन बोलो कि सॉफ्टवेयर बोलो, ठीक है, एप्लीकेशन मेरी फुल रेडी हो गई है। मैंने बोला इस एप्लीकेशन को ना मुझे डिप्लॉय कराना है, डिप्लॉय कहाँ कराना है, मेरे प्रोडक्शन सर्वर पर। तो वो जो प्रोडक्शन सर्वर होगा, या तो आप अपने रिसोर्सेस क्रिएट करोगे, अपने रिसोर्सेस मार्केट से बाय करके आप उनके ऊपर सर्वर के, उन प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करोगे अपनी एप्लीकेशन की, या आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है आप वर्चुअलाइजेशन का मेथड यूज करो किन्हीं वीएम के ऊपर, या थर्ड वे में आप डॉकर का यूज करो। तो इन्हीं तीनों चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे कि तीनों के थ्रू हम लोग किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते हैं, हम लोग वर्चुअली किस तरीके से करते हैं, कंटेनर के ऊपर किस तरीके से करते हैं, एंड इवन हम लोग पहले हमारे रिसोर्सेस के ऊपर किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि एप्लीकेशन अब रेडी हो गई, इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कराने के क्या क्या मेथड होते हैं। डॉकर आने से पहले क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया था, हम करते थे यूज हमारा नॉर्मल, जो हमारे नॉर्मल हम लोग किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते थे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर मल्टीपल सर्वर आपके पड़े होते थे, उन सर्वर के ऊपर जाकर आप मैन्युअली अपनी एप्लीकेशन को वन बाय वन डिप्लॉय करते थे, ठीक है। आप इसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ में मान लो मेरे ये सारे कुछ रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, कुछ सर्वर है मेरे यहाँ पे, ये मेरे कुछ सर्वर है। मैंने कहा कि मुझे नहीं सर्वर के ऊपर ना, इन सभी के सभी रिसोर्सेस के ऊपर मेरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैंने बोल दिया कि ये सभी के सभी, ये जो सर्वर हो ना वो सारे के सारे लिनक्स सपोर्टेड हो, तो मतलब मेरी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट कर पाएगी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, विच मीन्स जो लिनक्स हमारा होता है जिसके ऊपर हम लोग हमारी लिनक्स की आईएसओ इमेज डाल देते हैं, विच इज योर सेंटोस की आईएसओ इमेज, ठीक है। आपका जिस लैपटॉप में या फिर जिस रिसोर्स के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, तो आपकी एप्लीकेशन भी सिर्फ वही सपोर्ट करेगी, ये तो ठीक नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि सभी के ऊपर, अब मार्केट में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उनके ऊपर मल्टीपल सर्वर, आपके उन ऑपरेटिंग मल्टीपल सर्वर के ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रखे हैं। तो मान लो मेरे सामने ये इतने सारे सर्वर्स हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक कि कितने आपके 5 सर्वर्स हैं, मान लो इन 5 सर्वर के ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट ओएस लोड कर रखे हैं। लेट अज्यूम इस पे उबंटू है आपका, इस पे ले लेते हैं मैक है आपका, इस पे हम लोग ले लेते हैं आपका विंडोज ले लेते हैं 7 करके, इस पे विंडोज 8 करके मैंने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने इन सभी सर्वर के ऊपर क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट ओएस लोड कर दिया। अब मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, इन सभी सर्वर्स के ऊपर क्या कर देंगे, डिप्लॉय, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मेरी सभी सर्वर के ऊपर हो गई है डिप्लॉय। एप्लीकेशन का एक नेम ले लेते हैं, थोड़ा इजी होगा अंडरस्टैंड करना, एबीसी, ठीक है, .com ले लो। सो abc.com को मैंने सभी के सभी सर्वर्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ओएस के, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे सर्वर्स, उन सभी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया है। अब मान लो ये मेरी abc.com इन सभी सर्वर के ऊपर चल रही है, ठीक है,
जब मैंने एबीसी को लिनक्स पे डिप्लॉय किया, उबंटू पे डिप्लॉय किया, मैक पे डिप्लॉय किया, विंडोज 7 पे, विंडोज 8 पे, लिनक्स पे तो परफेक्टली रन कर गई, ठीक है, परफेक्टली आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली चल रही है, कोई इश्यू नहीं आया इसके ऊपर। लेकिन उबंटू पे इशू आ गया, मैक पे इशू आ गया, विंडोज 7 पे भी चल गया, लेकिन 8 वर्जन को ये सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो मतलब मेरी एप्लीकेशन abc.com परफेक्टली ढंग से बनी नहीं है। हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जो ढंग से नहीं अभी क्रिएटेड, हो सकता है कुछ पैकेजेस हम लोगों ने नहीं इंस्टॉल किए, या किसी की डिपेंडेंसीज हमारी रह गई है, या कुछ भी xyz। मतलब कि मेरी एप्लीकेशन के लिए मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, तब जाके मैं दोबारा से एप्लीकेशन को मॉडिफाई करूंगी। देन अगेन मैं क्या करूंगी, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूंगी अपने डिफरेंट डिफरेंट ओएस वाले सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमें इतना पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सर्वर्स का यूज करते थे। पहले हम लोग मल्टीपल सर्वर का यूज करते थे, विच मीन्स मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट से इतने सारे पहले तो रिसोर्सेज बाय कर रहे हैं, अब इसके ऊपर हम लोग ओएस लोड कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर रिसोर्स मान लो ये आपको कम रैम दे रहा है, इसका सीपीयू आपका जो इसको आपको सीपीयू कितना जो कोर मिलता है सीपीयू, आपने इसको कम कोर सीपीयू इसको मिला हुआ है, ठीक है, इसको मेमोरी कम है। इसी तरीके से मान लो इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है आपस में। अब एप्लीकेशन जो सपोर्ट कर रही है लिनक्स वाले को परफेक्ट कर पा रही है आपके विंडोज 7 को, लेकिन बाकियों को नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन इनके लिए सपोर्ट नहीं कर पा रही। एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं डन हो रखी कि वो उबंटू वाले सर्वर को सपोर्ट करे, मैक वाले को सपोर्ट करे, विंडोज 8 वाले को सपोर्ट करे। तो एप्लीकेशन में आप दोबारा जाओ, चेंजेस करो, फिर आप दोबारा से न्यू सर्वर खरीदो, उसके अंदर फिर ओएस लोड करो। अगर आपको लगता है कोई और सर्वर के ऊपर भी आपको चेक करना है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर भी आपको अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखना है, तो आप दोबारा से उसमें जाके डिप्लॉयमेंट करो एंड देन चेक करो, एप्लीकेशन स्टिल नॉट वर्क करेगी, दोबारा एप्लीकेशन में चेंजेस करो, देन अगेन रिसोर्सेज के ऊपर डिप्लॉयमेंट करो। तो ये जो टास्क था ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब सबसे पहले तो देखो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमें मिल रहे थे। डिसएडवांटेजेस कैसे मिल रहे थे, पहले तो हमें रिसोर्सेस को बाय करना पड़ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट हमारी यूटिलाइज हो रही है। सेकेंड, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप मैन्युअली जाके एक एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ओएस वाले सर्वर पे। देन हमें उसके बाद भी पता चल रहा है कि हमारे कुछ कुछ सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन चल नहीं रही। मतलब एप्लीकेशन की दोबारा जाओगे डिवेलपर को से कॉन्टेक्ट करोगे, दोबारा उसके अंदर प्रोग्रामिंग करो, फिर एप्लीकेशन को क्रिएट करोगे, फिर उसके डिप्लॉयमेंट करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। देन उसके बाद अब आपको मान लो हमारी एप्लीकेशन परफेक्ट है, उसके सोर्स कोड पे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके जो ओएस है जिस वर्जन पे ये चल रहा है वो वर्जन अब सपोर्टेबल नहीं है, वो वर्जन या वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली कुछ कुछ हमारे ऐसे पैकेजेस होते हैं, जब किसी पर्टिकुलर ओएस का वर्जन अपडेट हो जाता है तो वो पैकेजेस पहले तो वर्क करते थे लेकिन कुछ टाइम बाद वर्क करने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपडेशन आ गई है। तो हो सकता है एप्लीकेशन बाद में, अभी तो मान लो रन हो गई, बाद में जाके रन ना हो, तो बहुत सारे इश्यूज आते थे। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मेथड की जगह पे एक न्यू मेथड शुरू करना यूज किया था, विच इज योर वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट। तो रिसोर्सेस को बाय करने से बेटर था, जहां पे हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा लग रही थी उस चीज को हम लोगों ने कटिंग करना शुरू किया, विच इज योर कॉस्ट कटिंग हम लोगों ने करनी शुरू की। देन जहां पे हमारा इतना टाइम यूटिलाइज हो रहा था उस चीज को हम लोगों ने मैनुअली की जगह थोड़ा ऑटोमेशन पे लेकर आए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें इतने सारे फिजिकल सर्वर हमारे एनवायरनमेंट पे रखने पड़ रहे थे, विच मीन्स आपकी मैन पावर भी बहुत लगती। मैन पावर आपको बहुत सारे डेवलपर, बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए जो इन सबको हैंडल करे, जो इन सबकी मैनेजमेंट करे, तो मैन पावर भी आपकी रिड्यूस हुई। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें हुआ था वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट से। सो अभी हम लोग वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड देन हम लोग डॉकर के ऊपर चलेंगे कि क्या ऐसे ड्रॉबैक्स थे वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट के कि हम लोगों ने कंटेनराइजेशन कंसेप्ट को प्रेफर किया। पहले आप सबको इतना बता दो, मुझे इतना क्लियर है सबको, कोई इश्यू इसमें? गौरी आपको ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट पे। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, नेम से ही हमें पता चल रहा है, वर्चुअलाइजेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्चुअली फिजिकल की जगह वर्चुअली अपनी रिसोर्सेस को क्रिएट करते हो। मतलब कि जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, इतने सारे रिसोर्सेस बाय कर रहे थे और उसमें उसके बाद भी हमें पता चल रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं
उसके ऊपर हमारी जो एप्लीकेशन है इस रिसोर्स पे वर्क नहीं कर पा रही, उस पे वर्क नहीं कर पा रही, तो उस पर्टिकुलर मेथड से बचने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए, मैन पावर रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का यूज किया। अब वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट का यूज कैसे किया? फॉर एग्जाम्पल आपका है ये एक सर्वर, ठीक है, आपने एक सर्वर लिया, उस सर्वर के ऊपर आपके पास एक लाइक वो होती है, आप क्या, आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप क्या कर सकते हो अंडर वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट, आप अपने सर्वर के ऊपर ना कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लो। हाइपरवाइजर एज इन लाइक कोई भी आप एक ऐसा हाइपरवाइजर, एक ऐसा एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आप वीएम्स लॉन्च करोगे, वीएम विच इज योर वर्चुअल मशीन सिमिलर लाइक योर आप फिजिकल रिसोर्स, ठीक है, आपकी बिल्कुल एक फिजिकल रिसोर्स की तरह ही रहती है, फिजिकल सर्वर की तरह ही रहती है आपकी एक वर्चुअल मशीन। तो आप क्या करो, कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लो अपने सर्वर के ऊपर, जैसे कि मान लो आपका होता है ओपन स्टैक होता है, ठीक है, आपका एक होता है वीएमवेयर वर्क स्टेशन नाम का, इसी तरीके से, नहीं तो आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, विच इज योर AWS, गूगल क्लाउड, आपका अजर क्लाउड, ठीक है, तो आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे AWS ले लिया, हम लोगों ने AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म ले लिया, ठीक है। AWS लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्लाउड प्लेटफॉर्म ले लिया, उसकी इंस्टॉलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट साइन अप करोगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, उस पर्टिकुलर हाइपरवाइजर पर जाकर आप क्या कर रहे हो, अपनी वीएम्स लॉन्च करते हो। वीएम जिसको हम लोग AWS में इंस्टेंस बोलते हैं ना, वर्चुअल मशीन हमारी इंस्टेंसेस, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वीएम वर्चुअल मशीन। जैसे गूगल क्लाउड पे लिखा आता है आपकी वीएम इंस्टेंस, तो वही आपकी वर्चुअल मशीन, मतलब आप फिजिकल रिसोर्स जैसा ही एक सेम एक वर्चुअल मशीन बना लेते हो वर्चुअली, ठीक है, जो कि आपको फिजिकल नहीं है बट वर्चुअली आपको उसके अंदर हर एक फैसिलिटी मिलती है, हर एक सर्विस मिलती है, जो जो आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उसके अंदर हर एक मॉडिफिकेशन एंड जो भी आपको एडिट करना है आप कर सकते हो, कुछ डिलीट करना है तो भी आप कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बोला कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर थे, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओएस की। तो मान लो ये मेरे हो गए 5 वर्चुअल मशीन्स जिनके ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रखा है, ठीक है। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो उसके अंदर आप इमेज लेते हो, है ना, AMI करके इमेज आती है आपकी, मार्केट प्लेस से आप इमेज लेते हो, तो उस इमेज में आप कोई भी इमेज ले लो, आप डिफरेंट डिफरेंट ओएस की ले लो, लाइक आपने एक उबंतु की ले ली, सिमिलरली आपने लिनक्स की ले ली, ठीक है, आपने वही आपने एज इट इज यहाँ मैक की ले दी, यहाँ पे आपने विंडोज दे दिया, Windows 7, यहाँ हो गया आपका Windows 8, ये हो गए आपके सेम रिसोर्सेस की तरह। तो यहाँ पे जहाँ पे हम रिसोर्सेस क्रिएट कर रहे थे वहां पे हम लोगों ने प्रोसेस चेंज कर दिया, हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, वीएम्स लॉन्च करेंगे विच इज योर वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ओएस लोड किए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ओएस लोड करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर हमारी वीएम्स के ऊपर एक इमेज एग्जिस्ट करती है ओएस की, लाइट वेट इमेज। तो अब देखो क्या हो जाता है, ये आपको बेनिफिट तो सबसे पहले आपको ये मिला कि आप अपनी वर्चुअल मशीन जब क्रिएट करते हो तो वहां पे आप पूरा का पूरा ओएस लोड नहीं कर रहे हो, आप सिंपल क्या लोड कर रहे हो उसके ऊपर, ओएस की लाइट वेट इमेज। ओएस की लाइट वेट इमेज में भी ना कुछ बहुत कपल ऑफ थिंग्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, विच मीन्स जब आप ओएस की एक लाइट वेट इमेज यूज करते हो तो उसके अंदर क्या क्या आपको फंक्शनैलिटीज मिलती है, मतलब आप उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय और रन कर सकते हो, आपको ओएस की लाइटवेट इमेज में ऐसी आपके लाइक पैकेजेस एंड ऑल जो भी सिंटेक्स होता है, हर एक पैरामीटर डन होता है, तो कुछ नंबर ऑफ चीजें होती हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए, तो ओएस की लाइटवेट इमेज में वो चीजें अवेलेबल होती है, जैसे कि उसकी खुद की एक फाइल होगी, कुछ पैकेजेस होंगी, SSH की आपका रिमोट लेने की कमांड्स होंगी, लाइक SSH की सर्विस आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, इन केस नहीं भी होती तो आप वीएम के अंदर जाके खुद से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं। तो पूरी की पूरी ओएस की एक लाइट वेट इमेज मिल जाती है ताकि वहां पे आप अपने शेल के ऊपर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमारी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए ओएस की नीड होती है, ठीक है, हमें किसी ना किसी ओएस के ऊपर हम उसको लोड करते हैं, तो ओएस की लाइट वेट इमेज से आप एक वीएम बना लो वर्चुअल मशीन, उसी के ऊपर क्या करो आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय कर दो, ठीक है, तो वो इजिली रन करेगी। तो अब हमारे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ओएस वाली हमारे पास
वर्चुअल मशीन थी, इनके ऊपर हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया, विच इज abc.com। तो abc.com हमारी इन सभी के सभी सर्वर्स पे रन हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जब हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है उसको कोई इश्यू नहीं है, एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉयमेंट हो गई, अब वो रन हो रही है, चल रही है आराम से, बढ़िया। कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स को एक्सेस करना है, वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे हमारी एप्लीकेशन को, डीएनएस पे हिट करेंगे, वही वो लोड बैलेंसर से मैप्ड होगा, पूरा का पूरा वही प्रोसेस है जो होता है आपका। डीएनएस पे हिट करने के बाद वो लोड बैलेंसर से मैप है, आपका ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे जाएगा, लोड बैलेंसर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये इतने सारे सर्वर्स है, लोड बैलेंसर अपने अकॉर्डिंग सर्वर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ओएस के इसलिए ले रखे हैं, जस्ट हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन है सबके ऊपर वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो अभी हमारा मेन ट्रैफिक से वर्क नहीं है, बट अज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये सभी सर्वर के ऊपर आपका ट्रैफिक आ गया। अब आपके पास मान लो, अज्यूम करते हैं हमारे पास ट्रैफिक आया है 100 GB का, ठीक है, 100 GB का ट्रैफिक आया है। और मान लो हम लोगों ने क्या कह रखा है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा जित सर्वर है ना, ठीक है, हमारा जो पूरे के पूरे इंस्टेंसेस रहेंगे, इस एक एक इंस्टेंस के ऊपर मान लो आप लोगों ने कितना दे दिया है, ले लेते हैं हम लोग इसके ऊपर 5 GB दे दिया है, ठीक है, इसको भी मैंने बोल दिया 5 GB दे दो, इसको मैंने 10 GB दे दिया है। इसी तरीके से मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज इनको अलॉट कर दिए थे जब मैं अपने इंस्टेंसेस को क्रिएट कर रही थी, तो इस तरीके से मैंने इसको कुछ और GB दे दिया होगा। तो मतलब मान लो टोटल मिला के इन सबका 100 GB हो गया, जितने भी आपके इंस्टेंसेस पड़े सबका 100 GB हो गया है। और अज्यूम कर लेते हैं सबके ऊपर एक एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है जिसके ऊपर आपकी सेम एप्लीकेशन रनिंग है ना, ले लो। यहाँ पे आप ये मत सोचो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट ओएस इस पे लोड है अभी, वो तो जस्ट हम लोग चेकिंग के लिए कर रहे थे हमारी एप्लीकेशन, हम लोग किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ओएस की लाइट वेट इमेज लेकर डिप्लॉय करते हैं। और मान लो एप्लीकेशन हमारी परफेक्टली रन भी हो रही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो हमें यहाँ पे डिसएडवांटेज देखने को मिला, उस डिसएडवांटेज की मैं बात कर रही हूँ, वो डिसएडवांटेज क्या था, अज्यूम करते हैं ये मान लो ये मेरा था हाइपरवाइजर, ठीक है, इस हाइपरवाइजर के ऊपर मैंने क्या बोल दिया, वीएम्स लॉन्च कर ली। हाइपरवाइजर अब अपना वीएमवेयर ले लो, इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। अब क्या होता है, वीएमवेयर आपने लिया, उस वीएमवेयर में जब आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, आपने बोल दिया इनको पर्टिकुलर साइज दे देना, ठीक है, मान लो आपने इस वीएम को कुछ साइज दे दिया, 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 टोटल मिला के इन सबका साइज कितना हो गया, 100 GB, ठीक है। मान लो इसको आपने बोल दिया, इसको मिला है 25 GB, इसको मिल गया फिर 25 GB, इसको भी 25 GB, और इसको भी 25 GB, सबको हम लोगों ने 25 GB अराउंड साइज दे दिया हमारी वीएम। और 100 GB का अब हमारे पास जो डेटा आया, उस डेटा को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन डिफरेंट डिफरेंट आपकी वीएम्स के ऊपर। अब डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, डेटा अब आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है इजीली, कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन परफेक्टली रन हो। अब इन केस मान लो हमारा कुछ टाइम बाद, फर्स्ट जो हमारा मंथ था डेटा इतना आ गया हमारे पास, ट्रैफिक इतना आया था, सेकेंड मंथ मान लो मेरे पास ट्रैफिक सिर्फ 20 GB का है, तो अब ये 20 GB कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम सर्वर के ऊपर 20 GB डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 20 GB विच मीन्स अगर मान लो ये पूरा का पूरा 20 GB मेरे इस सर्वर पे चले जाए, तो बाकी सर्वर के ऊपर जो हम लोगों ने स्पेस दे रखा है, ठीक है, बाकी सर्वर्स को जितना की जितना रैम मिला हुआ है, मेमोरी मिली हुई है, वो सब तो वेस्ट जा रहा है ना, ये तो ऐसे ही यूटिलाइज हो रहा है, इनके ऊपर डेटा आ नहीं रहा, ट्रैफिक आ नहीं रहा, तब भी हम लोगों ने वीएम क्रिएट कर रखी है इतनी हाई जीबी की। अब इससे क्या हो रहा है, इनका जो स्पेस है वो तो वेस्ट जा रहा है, रिसोर्सेस मतलब अच्छे से हमारे यूज ही नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग वीएम्स क्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन हमारी एप्लीकेशन चल भी रही है उन पर, लेकिन एप्लीकेशन पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, और ट्रैफिक नहीं आ रहा विच मीन्स आपकी फालतू में आपने जो वीएम बनाई है, इन केस मान लो वीएम पे आपने ज्यादा स्पेस ले रखा है, तो अब आप ज्यादा सर्विस यूज करोगे जैसे AWS के ऊपर, तो वो आपको बिल भी तो भेजता है ना, तो मतलब कॉस्ट तो हमारी साइड से जा रही है लेकिन हमारे पास तो ट्रैफिक आ ही नहीं रहा। तो इस केस में भी वीएम का जो मेथड था वो इतना अच्छा नहीं बैठा, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं रहा, दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक न्यू कंसेप्ट के ऊपर मूव ऑन किया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमारे रिसोर्सेस परफेक्टली रन नहीं हो रहे, हमें सिर्फ और सिर्फ 20 GB की है नाउ, तब भी हमारे पास 100 GB अवेलेबल है, और 100 GB अगर अवेलेबल है, इन केस मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो इंस्टेंस है इसका मैं साइज डिक्रीज कर दूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंस्टेंस को डिलीट करो, नेक्स्ट इंस्टेंस मैं बनाऊंगी उसको मैं पर्टिकुलर साइज अलॉट करूँ।
क्यों? क्योंकि हाइपरवाइजर में आपके हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंसेस को हम लोग डिलीट करके न्यू बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग न्यू हमारी जो इमेज है सेंटोस की लाइटवेट इमेज वो दे। वैसे आप सर्विस तब भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में क्या होगा, आपको डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा कस्टमर्स। कैसे? आपने क्या किया, इंस्टेंस को कुछ टाइम स्टॉप किया, एडिटिंग की, वहीं पे आपने उसका साइज कम कर दिया, ऑटो स्केलिंग हाई एंड लो किया उसका साइज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। लेकिन उस टाइम के लिए मेरा जो सर्वर है, मेरा जो वीएम है, वो स्टॉप हो रखा है। स्टॉप क्यों हो रखा है? बिकॉज मैं उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन एंड कस्टमाइज कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो जब वो स्टॉप रहेगा तो आपके जो कस्टमर्स है उनको डाउन टाइम फेस करना पड़ रहा है कि आपका जो पर्टिकुलर इंस्टेंस स्टॉप है, आपकी एप्लीकेशन हो गई स्टॉप। तो दैट्स केस में भी ये परफेक्ट नहीं था, ठीक है? तो इसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज थे, हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? कहीं ना कहीं उनका जो स्पेस था वो वेस्ट जा रहा था, जो कि ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट भी जा रही थी। तो उस केस में हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग किस मेथड पे चलेंगे, डॉकर के मेथड के ऊपर। तो डॉकर में क्या बेनिफिट आपको मिला? डॉकर में आपको ये बेनिफिट मिलता है, जहां पे आपके रिसोर्सेज परफेक्टली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, जहां पे आपकी कॉस्ट बहुत लग रही है, मैन पावर एक्स्ट्रा लग रही है, ठीक है? जहां पे आपके जो पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सपोर्ट नहीं कर पा रही, ये सब चीजें पॉसिबल है किस तरीके से, डॉकर के थ्रू। हम लोग डॉकर के ऊपर क्या लॉन्च कर लेते हैं, कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से आप कंटेनर्स इंस्टॉल करते हो। सिमिलरली मान लो ये आपका है सर्वर, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे लिया हाइपरवाइजर, कोई भी आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म और कोई भी आप ले सकते हो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। आपने यहाँ पे अपने क्या किया, इंस्टेंस लॉन्च किया, वीएम, आपकी वर्चुअल मशीन आपने यहाँ पे क्रिएट कर। अब उस वर्चुअल मशीन के अंदर आप क्या करते हो, छोटे छोटे कंटेनर्स लॉन्च कर ले, ठीक है? छोटे छोटे कंटेनर्स, इन कंटेनर्स के ऊपर आप क्या करते हो, लाइट वेट इमेज डालते हो अपने ओएस की। तो यहाँ पे हम लोग ओएस की लाइट वेट इमेज डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पे आपने उबंटू डाल दी, इस पे मैक आपका भाई लिनक्स पे, देन अगेन आपने इस पे विंडोज 7 8, किसी पे iOS, किसी पे एंड्रॉइड, किस कुछ भी आपने अकॉर्डिंग डाल दी, ठीक है? तो ये सब अब हमारे जो कंटेनर्स है इनके ऊपर लाइट वेट इमेज चल रही है। तो हमें पता है हमारी एप्लीकेशन को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है जो कि कंटेनर के ऊपर लाइट वेट इमेज डली हुई है ओएस की। अब जो एप्लीकेशन है, आप डिप्लॉयमेंट कहाँ करोगे, इन कंटेनर्स के अंदर, ठीक है? तो अब मान लो एप्लीकेशन के ऊपर फर्स्ट मंथ में 50 GB आपकी रैम आ गई, 50 GB का ट्रैफिक आया, वो इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इजीली कंटेनर्स के ऊपर। अगले मंथ मान लो और कम आ गया, 10 GB आया, तो 10 GB डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये इस पे बेनिफिट आपको ये मिलता है कंटेनर्स के ऊपर कि कंटेनर आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, आपका ना रिसोर्स एक्स्ट्रा यूटिलाइज नहीं होता, जितनी नीड है उतना ही यूटिलाइज होगा। विच मीन्स अगर आपको ट्रैफिक 10 GB आया ना, तो 10 GB के ही आपके कंटेनर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। मतलब कंटेनर सिर्फ और सिर्फ उतना ही साइज यूटिलाइज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। इन केस मान लो ये मेरी जो इंस्टेंस थी वो थी 50 GB की, ठीक है? ये 50 GB का मेरा इंस्टेंस था और मेरे पास जो ट्रैफिक आया वो सिर्फ और सिर्फ 10 GB आया, तो ये कंटेनर सिर्फ और सिर्फ 10 GB लेगा, ठीक है? आप इसको अलग से कोई साइज प्रोवाइड नहीं करते, बाय डिफॉल्ट जितना साइज उसको लगता है कि एप्लीकेशन के लिए चाहिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन डली हुई है, इस एप्लीकेशन के अंदर जितना ट्रैफिक आ रहा है उतना उसको स्पेस चाहिए होगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा आपके इंस्टेंस से, और बाकी का जो भी अगर उसको लगता है कोई एक्स्ट्रा स्पेस है वो वापस भेज देगा इंस्टेंस को। मान लो फर्स्ट टाइम पे इसका अगर 50 GB आया था ना, तो इसने पूरा यूज कर लिया, या मान लो 50 की जगह हम लोग कर लेते हैं इसको थोड़ा कम, 50 की जगह अज्यूम कर लेते हैं, अब इसके पास आ गया 30 GB, ठीक है? 30 GB आ गया इसके पास ट्रैफिक, 30 GB इसने लिया इंस्टेंस से, ले लिया उतने का कंटेनर आपका लॉन्च है, उतना स्पेस प्रोवाइड हो गया, एप्लीकेशन हो रही है रन, कस्टमर्स एक्सेस कर रहे हैं। अगले मंथ पता चलता है फिर इसका जो ट्रैफिक आया वो हो गया 5 GB, तो बचा हुआ जितना भी इसके पास होगा ना स्पेस, लाइक जो भी आपका 25 GB एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा, वो वापस किसको दे देगा, इंस्टेंस को। तो इंस्टेंस के पास वो वापस चला जाता है। तो कंटेनर सिर्फ और सिर्फ उतना ही यूटिलाइज करता है आपका स्पेस, उतनी ही रैम यूटिलाइज करता है जितना उसको नीड है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेता वो, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा होती है वो वापस आपके इंस्टेंस को प्रोवाइड कर देता है। इवन यहाँ पे हमें रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के साथ साथ कॉस्ट कटिंग भी होती है। मतलब डॉकर में कॉस्ट कटिंग कैसे हो पा रही है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं खरीदने पड़ रहे, आप वीएम लॉन्च कर रहे हो और उसी वीएम के ऊपर कंटेनर्स बना रहे हो, ठीक है? और ये नहीं कि आपको अलग से बार बार अपनी सर्विस को स्टॉप करना पड़ेगा, तो इसका साइज अपेंड करना पड़ रहा है, साइज को डाउन करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली उतना ही साइज क्रिएट करता है जितनी कि आपकी एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है। क्लियर है सबको?
ठीक है। सो हम लोग यही करेंगे, वीएम इंस्टेंस के ऊपर डॉकर का पैकेज डालेंगे, उसकी सर्विस को स्टार्ट और इनेबल करेंगे, देन कुछ कंटेनर्स लॉन्च। अगर मैं कंटेनर्स की बात करूं, सो आपके जैसे कंटेनर होते हैं, कुछ नहीं होते, आप क्या करते हो, आप कोई भी ओएस लेते हो, ठीक है, उसकी लाइटवेट इमेज के थ्रू एक कंटेनर्स लॉन्च कर लेते हो। तो उस कंटेनर के ऊपर क्या चल रही होती है, आपकी ओएस की लाइटवेट इमेज, और जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो नीड होती है वो प्रोवाइडेड होती है। तो हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया, मैंने कहा कि उबंतु का मेरा ओएस की इमेज लेनी है, मुझे लाइटवेट इमेज मेरी ओएस रहे उबंतु की रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इमेज को पुल करते हैं, ठीक है। इस इमेज को आपने पुल कर लिया, देन आपने इससे क्या कर दिया, एक कंटेनर लॉन्च। अब उस कंटेनर के अंदर, कंटेनर कुछ नहीं है, जस्ट आपका एक फिजिकल रिसोर्स है, उस फिजिकल रिसोर्स के ऊपर आपकी एक ओएस की लाइटवेट इमेज डली हुई है, जो आपकी एप्लीकेशन की हेल्प करेगा आपके कस्टमर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन को जो नीड होती है वो कंटेनर के ऊपर पड़ी रहती है। तो कंटेनर इज जस्ट नथिंग, एक फिजिकल रिसोर्स ही होता है आपका, ठीक है। जैसे आपका जर्नल वे में हम लोग बोलते हैं ना, कंटेनर क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर बॉक्स सा होता है जिसके ऊपर हम लोग सामान स्टोर करके रखते हैं, एक हमारा बॉक्स रहता है ना जिसके अंदर सामान स्टोर रखते हैं। सिमिलर वे में कंटेनर भी आपका एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर आप अपने एप्लीकेशन को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है ना? दोनों को ना, ठीक है। सो बेसिकली आई थिंक आप लोग को एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कंटेनर क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से डॉकर के ऊपर कंटेनर डलता है और किस तरीके से एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, ये सब तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो डॉकर के अंदर, ये तो हमें पता चल गया डॉकर का पैकेज कैसे डलेगा, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट डॉकर के पैकेज को इंस्टॉल करना है, एंड देन डीबियन को स्टार्ट इनेबल करके कंटेनर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डॉकर के ना कुछ कंपोनेंट्स की, कि बेसिकली अगर मैं बात करूं डॉकर के क्या कुछ फ्यू कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो आपका सिलेबस भी आप यहीं पे जान लोगे बेसिकली। तो यही आपका सिलेबस भी रहता है और इसी के कंपोनेंट्स होते हैं। डॉकर के क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, सबसे पहले तो देखो हम लोग कवर अप करेंगे डॉकर कंटेनर्स को, कंटेनर्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से लॉन्च होते हैं, किस तरीके से डिलीट होते हैं, क्रिएट होते हैं, हर एक छोटी छोटी बेसिक्स को लेकर चलेंगे, हर एक कमांड को इसके अंदर कवर अप करेंगे। देन हम लोग क्या कवर अप करेंगे, डॉकर इमेज, इमेज क्या होती है, डॉकर हम लोग डॉकर फाइल को कवर अप करेंगे, डॉकर वॉल्यूम को कवर अप करेंगे, डॉकर आपका डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस क्या होता है उसके अंदर, एंड देन आपका डॉकर कंपोज हम लोग कवर अप करेंगे, डॉकर स्वाम रहेगा आपका, एंड डॉकर नेटवर्क। ये आपके कुछ फ्यू टॉपिक्स रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एंड आपके डॉकर के मेन कॉम्पोनेंट्स है, जिन जो बेसिकली आपका यही स्टेबस होता है डॉकर के अंदर, हम इन्हीं सबको कवर अप करेंगे आज, ठीक है। ये एक जस्ट फ्लो में वर्क करता है, एक हिरार्की बनाता है, किस तरीके से, देखो ये होती है आपकी इमेज, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं डॉकर फाइल, ये हम लोग ले लेते हैं कंटेनर, यहाँ पे मान लो हमारा डॉकर हब हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं ये बेसिकली किस तरीके से। अब देखो ये बेसिकली वर्क कैसे करती है, ये है हमारी डॉकर की इमेज, ठीक है, लाइटवेट इमेज आपकी। अब मान लो हमने क्या किया, हमने बोला कि हमें कंटेनर क्रिएट करना है, तो ओएस की मुझे लाइटवेट इमेज चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने बोल दिया मुझे उबंतु की चाहिए या फिर लिनक्स की चाहिए, किसी की भी मैंने बोल दिया। अब क्या होता है, कभी कभी आपकी वो पर्टिकुलर ओएस की लाइटवेट इमेज, इन केस आपके लोकल एनवायरनमेंट पर, विच मीन जब आप डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो कुछ फ्यू ऐसी इमेजेस आपको मिलती है, ठीक है, या आपके वो लोकल में पड़ी है तो परफेक्ट है, अगर नहीं पड़ी होती तो डॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, सॉरी मैं ना यहाँ पे आपको बताना भूल गई, आपका एक और कवर अप होगा कॉम्पोनेंट विच इज डॉकर हब। तो डॉकर का ना एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकर हब, ये बिल्कुल आपके किसकी तरह होता है, गिटहब की तरह,
जैसे गिटहब के ऊपर आपके सोर्स कोड पड़े रहते हैं ना, लेकिन डॉकर हब पे क्या होता है, हमारे इमेजेस पड़ी हुई रहती है, इमेजेस सेव रहती है पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी. तो वहां पे रेपोजिटरीज आपको मिलती है, पब्लिक रेपोजिटरी एंड प्राइवेट रेपोजिटरी, जिनके ऊपर आप अपनी इमेजेस को रखते हो. तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हम लोग हमारी जो इमेजेस होती है ना, उनको कैसे रखते हैं, हमारे रजिस्ट्री सर्वर पे रख लेते हैं, या तो वो खुद के अपने खुद के ऐसे रजिस्ट्री सर्वर क्रिएट कर लेते हैं जिन पे इमेजेस रखते हैं, और आपस में अपनी इमेज को अगर शेयर करना है किसी प्राइवेट पर्सन को अपनी कंपनी का, तो वो शेयर कर लेते हैं उसी पर्टिकुलर रजिस्ट्री सर्वर से. नहीं तो सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, डॉकर हब प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना अकाउंट लॉग इन करो, वहां पे आप अपनी इमेजेस को प्राइवेट रेपोजिटरी पे शेयर करके रख दो. तो आप किसी को अगर चाहिए होगी आपकी इमेज, तो आप अपनी रेपोजिटरी का आप बता सकते हो, अपनी रेपोजिटरी का यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हो, और नहीं देना तो आप लिंक दे सकते हो कुछ भी XYZ, वहां से आप बता सकते हो ये मेरा नेम है, ठीक है, ये मेरी पासवर्ड है, एंड देन आप वो बोल दो कि इस पर्टिकुलर इमेज को आप यहाँ से कर लो पुल, वो पर्टिकुलर पर्सन पुल करेगा एंड देन अपना कंटेनर लॉन्च करेगा और यूज करेगा. सो कंपनीज में यही होता है. अब आप कंपनीज का जो वो होता है बेसिकली लॉगिन आईडी और पासवर्ड, हम लोग किसी को नहीं दे सकते पब्लिकली, नहीं तो भाई मिसयूज हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट रेपोजिटरी के ऊपर अपनी इमेजेस को रखते हैं, और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड अपने अपने कंपनी के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको देते हैं, एंड देन वो वहां से पुल कर पाते हैं पब्लिकली, वो उसको शो नहीं करते. बट कोई इमेज अगर उनको पब्लिकली रखनी है सबकी यूज केस के लिए, अगर डेवलपर्स को पब्लिकली अपनी इमेज को शो करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक रिपोजिटरी पे अपनी इमेजेस को पुश कर देते हैं. सिमिलरली अब हमने बोला था एक इमेज है, मान लो हम लोगों ने किसकी ली, सेंटोस की, हम लोगों ने लाइट वेट इमेज ली, ठीक है, सेंटोस की लाइट वेट इमेज मैंने मान लो डॉकर हब से कर ली पुल. अब ये पुल हो गई, अब मैंने इस इमेज से क्या बना दिया, एक कंटेनर. अब मैंने कहा कि मेरा कंटेनर जो बना है ना, इस कंटेनर के ऊपर मैंने एप्लीकेशन अपने डिप्लॉय कर, एप्लीकेशन क्रिएट कर ली कंटेनर के ऊपर. तो जब मैं एप्लीकेशन को क्रिएट कर रही थी ना, उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पैरामीटर्स डाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी कोडिंग कर दी जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा नीडफुल रहेगी, और मेरे एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा. तो मैंने कहा कि ये जो कंटेनर है ना जिसके ऊपर मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, मैं चाहती हूँ इस कंटेनर की भी ना एक इमेज बना लूँ. तो आप कंटेनर की भी इमेज बना सकते हो. अब आपने मान लो कंटेनर की एक इमेज बनाई, उस इमेज को आपने कहाँ पुश कर दिया, डॉकर हब पे, ताकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पब्लिकली शेयर कर देना, किसी भी पर्सन को अगर चाहिए होगी वो पर्टिकुलर इमेज जिसके ऊपर आपकी वो पर्टिकुलर सर्विसेज चल रही है आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो वो डॉकर हब से ले सकता है. अगर आपको प्राइवेटली शेयर करनी है तो प्राइवेट रिपोजिटरी पे कर देना. तो इस तरीके से हम इमेज पुल भी करते हैं और कंटेनर की इमेज बना के मैंने यहाँ से पुश भी कर दी. इतना ही नहीं, अब हमें एक और क्या होता है, आपको मिलती है पैरामीटर, एक आपकी एक कॉम्पोनेंट रहता है डॉकर फाइल का. डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर फाइल को कहा जाता है एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की आपकी फाइल रहती है, ठीक है. इसके अंदर आप बहुत सारे पैरामीटर्स डाल देते हो अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है. तो मान लो मैंने इसके अंदर क्या बोल दिया, मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारा अपाचे इंस्टॉल कर देना, ठीक है, अपाचे मैंने इंस्टॉल कर दिया. फिर मैंने क्या बोला, इस पे SSH की सर्विस चला देना, इनकी सर्विस को स्टार्ट और इनेबल कर देना. मैंने बोला इसके ऊपर अनजिप नाम का एक पैकेज इंस्टॉल कर देना, जिप नाम का एक पैकेज इंस्टॉल कर देना, डब्ल्यू गेट कमांड की पैकेज इंस्टॉल कर देना, एक फाइल क्रिएट कर देना माई फाइल नाम की, ठीक है. एक आपका हम लोगों ने क्या बोला आगे, एक फोल्डर क्रिएट कर देना DIR नाम का, ठीक है. ये पैरामीटर, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिए, और इससे मेरी डॉकर फाइल मैंने करी लॉन्च, ठीक है, ये आपकी डॉकर फाइल बन गई. अब उस डॉकर फाइल से हम लोगों ने एक इमेज बनाई, मान लो उस इमेज का नाम मैंने क्या रख दिया, माई इमेज, ठीक है. मैंने कहा ये इमेज जो मैंने बनाई है ये मैं डॉकर हब पे भी पुश कर दूंगी, और इसी इमेज से मैं अपना एक कंटेनर लॉन्च कर लूंगी. तो इसी इमेज से हमने कंटेनर भी लॉन्च कर दिया, और इसी इमेज को हम लोगों ने डॉकर हब पे पुश भी कर दिया. तो इससे हमें दो बेनिफिट हो गए, अगर इस इमेज को किसी को यूज करना होगा तो वो हमारी डॉकर हब के पब्लिक रेपो से ले सकता है, और हमारा एक कंटेनर भी रनिंग है. अब मान लो कंटेनर के ऊपर आप गए, आपने एप्लीकेशन में जाकर कुछ चेंजेस करे. अब देखो क्या होता है, जब भी आपका कोई कंटेनर बनता है वो किस तरीके से बना है, हम लोगों ने हमारी कस्टम इमेज से बनाया जो कि थी माई इमेज, मतलब डॉकर फाइल लॉन्च की, फिर एक कस्टम इमेज बनी और उससे मेरा कंटेनर बना है. तो इस कंटेनर के ऊपर ना वो सारे के सारे पैरामीटर होंगे जो आपकी कस्टम इमेज में अवेलेबल थी. तो जो भी आपकी इमेज में होता है ना, वो सब कुछ आपके कंटेनर में आ जाता है और एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारी एप्लीकेशन को अपाचे की सर्विस चाहिए थी, तो हम लोगों ने हमारी कस्टम इमेज में पहले ही बता दिया कि हमारी अपाचे की जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर देना, यहाँ लिखा है जैसे, ठीक है.
सिमिलरली मैंने कहा था मुझे SSH का भी पैकेज इंस्टॉल कर देना, इनकी सर्विसेज भी मैंने स्टार्ट कर दी और एप्लीकेशन को नीड भी थी, तो कंटेनर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको SSH की सर्विस इंस्टॉल मिलेगी और अपाचे की सर्विस, तो ये बेनिफिट होता है। इसी तरीके से बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम लोग डॉकर फाइल लॉन्च करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, देन कंटेनर बनाते हैं, देन उसकी हम लोग उसी पर्टिकुलर इमेज को डॉकर हब पे भी पुश कर देते हैं। ठीक है, तो कंटेनर, इमेज, फाइल, आपका डॉकर हब, ये आपस में इस तरीके से वर्क करते हैं। आगे इसको हम लोग एक एक चीज को और अच्छे से इलेबोरेट करके समझेंगे। सिमिलरली डॉकर वॉल्यूम जस्ट आपका वही स्पेस है, अगर मान लो आपका कोई सर्वर क्रैश हो जाए, ठीक है, और आपने उसकी वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर रखी, तो आप डेटा कैसे रिस्टोर कर पाओगे। सिमिलरली डेटाबेस प्राइमरी आपका डेटा जो होता है वो सेव रहता है, ठीक है, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में, तो हम लोग ये देखेंगे डेटा को सेव कैसे करते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, उसका बैकअप कैसे लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड डेटाबेस। नाउ देन कंपोज को पढ़ेंगे, कंपोज वही क्या होता है, आपकी एक एप्लीकेशन बनती कैसे है, तो बैक एंड होता है आपका, फ्रंट एंड होता है आपका, पेमेंट गेटवे होता है आपका, डेटाबेस होता है, ठीक है, ये सब कुछ। ऑल बेसिकली एक एप्लीकेशन को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन ना आपके कुछ टीयर्स के ऊपर बेस्ड होती है। कहा जाता है कि एप्लीकेशन जब बनती है उसको 3 टीयर्स की नीड होती है, विच इज फ्रंट एंड, डेटाबेस एंड सॉरी फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ये 3 टीयर्स होते हैं कि एप्लीकेशन के। तो वो 3 टीयर्स को हम लोग आपस में ऑल टुगेदर इन अ वन गो रन कैसे करते हैं, ठीक है, वही हम लोग डॉकर कंपोज में पढ़ेंगे। देन आपका डॉकर सॉम किस तरीके से हम लोग सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं और इनकी रेप्लिकास कैसे जनरेट करते हैं एज अ क्लस्टर फॉर्मेट में, ठीक है, तो सॉम के अंदर हम लोग क्लस्टर बनाएंगे, देन मास्टर होगा आपके, कुछ वर्कर्स होंगे, वहां सर्विस चलेगी, उनकी रेप्लिकास बनेगी, तो ये सब हम लोग कवर अप करेंगे। फिर नेटवर्क वही आपका, हम लोग खुद से अपने नेटवर्क पर, कस्टम नेटवर्क के ऊपर कैसे कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, ये सब हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, और हम लोग पोर्ट मैपिंग को भी कवर अप करेंगे। तो पोर्ट मैपिंग क्या होता है, जस्ट कुछ नहीं, हम लोग कंटेनर्स क्रिएट करते टाइम उनको एक पोर्ट अलाउ कर देते हैं हमारी पब्लिक आईपी के साथ जो कनेक्टेड रहेगा, ताकि हम लोग हमारे कंटेनर को बाहर से भी एक्सेस कर सके। तो ये सब हम लोग कवर अप करेंगे आगे की क्लासेस। अभी किसी को कोई डाउट यहाँ तक एक किसी भी चीज में? नहीं, मल्टी स्टेज डॉकर की हम बिल्ड नहीं करेंगे ना, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। हम लोग जो इन्हीं कंपोनेंट्स को कवर अप करेंगे डॉकर के अंदर, और यही आपके इनफ है। अगर आप इससे एक्स्ट्रा अगर डीप जा रहे हो, विच इज नॉट, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती डॉकर के अंदर, क्योंकि डॉकर से आपका बेस क्लियर हो जाता है, ठीक है, और किस तरीके से आपके कंटेनर्स बनते हैं ये सब आप कवर अप कर लेते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है आपका क्यूबनिटीज आपको हेल्प कर देता है, ठीक है, तो आप क्यूबनिटीज पे देखते हो कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस होता है। कंटेनर से थ्रू आप एक, आपको एक आइडिया लग जाता है किस तरीके से इमेज बनती है, फाइल के थ्रू किस तरीके से हम लोग आगे इमेज बना के कंटेनर्स कैसे लॉन्च करते हैं, स्वाम का कंसेप्ट क्या रहता है, तो यही सब रहता है। बाकी इसके अंदर हम इतना डीप नहीं जाते डॉकर के अंदर, ये आपका कंटेंट रहेगा। और कुछ? गौरी आपका कोई डाउट? क्लियर है ना दोनों को सब? ओके, सो हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे इन सभी कंपोनेंट्स को डॉकर के, ठीक है, एंड इतना कुछ ज्यादा आपके टाइम का सिलेबस नहीं है, इसका कुछ ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक्स है, एंड आपके कुछ ही टाइम का पीरियड की बात है, लाइक ज्यादा इतना बड़ा कंटेंट नहीं है इसका, छोटा सा ही कंटेंट है। मेन जो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं और जो मेन आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अप टू रहते हैं आपके डॉकर फाइल पर, आपके कंपोज और सॉम के ऊपर, एंड नेटवर्क। ये आपके कुछ ऐसे फ्यू टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट बाकियों के ऊपर नॉलेज होना बेटर है। तो ये कुछ फ्यू जो हमारे कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, टॉपिक रहते हैं, जिनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे, वुड बी दीज 4, ठीक है, एंड दी अदर वंस आर जस्ट फॉर लाइक आपने टेम्पररी बेसिस पर उनकी अच्छी खासी आपको नॉलेज है, ठीक है, तो हम लोग यही कवर अप करेंगे आगे की क्लासेस में। सो आज आपका कोई डाउट तो है नहीं आप लोगों का, तो हम लोग यहीं पे फिर क्लास क्लास को बाइंड अप कर देते हैं। ओके ओके, देन नेक्स्ट क्लास में मिलते, वेलकम, जस्ट अ सेकेंड। ओके।